आपने मुझे बिल्कुल स्पॉइल कर दिया है। वहां कौन मेरा ख्याल रखेगा? मैं आपको बहुत मिस करूंगी। छोटी मिस करेगी। अच्छा सारा, ये लो। वाओ, ये क्या है मामा? थोड़ी सी भी क्या घड़ी? पेंडेंट ये क्या है? पेंडेंट है, उसमें घड़ी है। तुम जिद कर रही हो ना वहां जाने की, तो वो तुम्हें पहचानेंगे कैसे? डैडी, मुझे शक हो रहा है कि हमारे यहाँ कुछ इलीगल काम भी हो रहे हैं। क्या बकवास है? इस शहर ने मुझे कैद कर लिया है। मैं यहाँ से जाना भी चाहता हूँ और जा भी नहीं सकता। लोग खुशी खुशी यहाँ आते हैं, एक कदम फिर दूसरा कदम और फिर तीसरा कदम। अचानक इन्हें एहसास होता है कि वापसी का कोई रास्ता ही नहीं रहा मेरी तरह। मैं कैसे जिंदा रहूंगा? ना दादाजी, ना, मत रो तुम। अगर तुम भी रोगे ना तो तुम्हारी ताजी के तो दम निकल जाएगा। कंगन तो मैंने आपके लिए बनवा लिए हैं, ये देखें, शायद आपको पसंद आ जाए। मेरा मतलब यह है कि मुझे एब्स्ट्रैक्ट आर्ट समझ में नहीं आता। देखो मारिया, ह्यूमन माइंड से ज्यादा कोई एब्स्ट्रैक्ट और मुश्किल चीज नहीं होती। अगर तुम लोगों के जहन पढ़ लेती हो तो इस तस्वीर को समझने की कोशिश भी करो। ओके ओके, समझ लूंगी। तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं ये सामान चेक करा के आता हूँ कस्टमर से। बैठ जाओ। ये तुम अपने पास रख लेना, ठीक है? अभी आता हूँ। चाय मत पीजिए, आपने तो लंच भी नहीं किया आज। शामिल नहीं आया अभी तक। आप शायद भूल गए कि उसने कहा था 2-4 रोज के लिए वो एडिनबरा जाएगा। उसका दोस्त आने वाला है ना, तो वो फ्लैट ठीक करवाना था। बहुत मनमानी कर रहा है वो, फैक्ट्री में मजदूरों को खराब कर रहा है। मैंने बात की थी उससे, वो कह रहा था कि उसका काम करने का तरीका जरा मुख्तलिफ है। वो सख्ती से नहीं, प्यार से काम करवाना चाहता है, और मेरा तो ख्याल है कि वो करवा लेगा। आपने एक जिम्मेदारी दी है तो उसे कर लेने दीजिए। मैं उसका बाप हूं, वो मेरा बाप नहीं है। आप समझा दीजिए उसे, मैं जो कहूंगा वही उसे करना पड़ेगा। ये आज किसकी शामत आ रही है? या मलिक, तुम्हारा ब्लड प्रेशर कभी नॉर्मल नहीं रह सकता। घड़ी में तोला, घड़ी में माशा। बाबा जी, अब क्या हुआ? आए बेटे साहब अपने आप को बहुत अकलमंद समझने लगे हैं, डेमोक्रेसी चला रहे हैं, फैक्ट्री में मजदूरों का दिमाग खराब कर रहे हैं। मतलब तुम्हें क्या तकलीफ है? करने दो खराब। तुम अपना दिमाग क्यों खराब कर रहे हो? बहरहाल मैं अपना दिमाग खराब करना नहीं चाहता। बाबा जी, जरा एक प्याली चाय तो बनाओ अच्छी सी। यार समझा करो, जमाना बदल गया है। बाबा जी, एक बिस्किट देना जरा अच्छा सा। हाँ, बात यह सादत कि मेरे घर में जमाना नहीं बदल सकता, तुम समझा दो उसे। यार क्यों अपना खून जला रहे हो? देखो, एक जनरेशन को दूसरी जनरेशन के लिए रास्ता देना पड़ता है, ये नेचुरल है। वो मनमानी कर रहा है। यार मलिक, तुम कब सुधरोगे?
सारी उम्र मैंने मेहनत की है, तब जाकर ये फैक्ट्री बनी है, ये स्टोर्स बने हैं। मैं इन्हें तबाह होते हुए नहीं देख सकता। मुझे तुम्हारा बेटा है ना, वो भी इत्तेफाक से तुम्हारी तरह अकलमंद है, बेवकूफ नहीं है, इतना उसने पढ़ा है, गोल्ड मेडलिस्ट है, क्यों सब कुछ तबाह कर देगा? उसे बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है बिजनेस से। जब मैंने जबरदस्ती काम पर लगाया तो अब्राहम लिंकन बन गया है। ये सारे रेवोल्यूशनरी एटीट्यूड्स बाप की दौलत पर हैं। अपनी मेहनत से कमाता तब मैं पूछता कि मजदूरों की तनख्वाह कितनी बढ़ानी चाहिए और कितनी नहीं बढ़ानी चाहिए। अच्छा बस करो, क्या खूब सौदा नकद है, इस हाथ दे इस हाथ ले। सारा चाय का मजा किरकिरा कर दिया मलिक, ऐसा लगता है किसी ने कड़वा करेला पीस के चाय में मिला दिया है। हमें तुमसे हजार मरतबा कहा है कि खाते पीते वक्त गुस्सा मत किया करो। अच्छा बस करो, मेडिकल हिस्ट्री सुनाने ना बैठ जाना मेरी। अमा कहो तो गाना सुना दूं। अच्छा छोड़ो, गाने को छोड़ो, एक शेर सुनाता हूँ। हम दुआ लिखते रहे और वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने मुझे महरम से मुजरिम कर दिया। डॉक्टर होकर ऐसी फजूल बातें करते हो तुम। हमें तोबा करो, अरे जाओ बाथरूम जाओ, कुल्ली करके आओ, कमाल कर रहे हो, कैसा बड़ा शेर सुनाया है इतने अच्छे शायर का। वैसे एक बात है भाभी, बिस्किट बड़े अच्छे थे। जब ऐसे नागुफ्ता भी हालात में इतने मजे के लग रहे हैं तो जब घर की फजा अच्छी होती होगी तो कितने अच्छे लगते होंगे। वाह भाभी, कभी घर की फजा अगर खुदा ना खास्ता नॉर्मल हो तो आप मुझे सीटी बजा के बुला लीजिएगा। सादत। सादत भाई आप ही इन्हें समझाएं, मैं तो समझा समझा के हार गई हूं, गुस्सा कर करके अपनी सेहत खराब कर लेंगे। भैया तुम्हें अगर ऐसे ही चलाने का शौक है तो हवाई जहाज चला लो, रॉकेट चला लो, मगर बच्चे को तो उसके हाल पे छोड़ दो। यही तो मैं कह रही थी, अगर वो जिद पर आ गया तो बहुत बुरा होगा। भाई क्या क्या बुरा क्या होगा? वो कहता है कि वो पाकिस्तान चला जाएगा। क्या? छोड़ो, बच्चे तो ऐसी बेतुकी बातें करते ही हैं। उसे क्या मालूम पाकिस्तान कहाँ है, उसे क्या खबर पाकिस्तान के बारे में? हमें इतने बरस भाड़ नहीं झोंकता रहा है वो, उसे नहीं पता पाकिस्तान कहाँ है, वो खुद भी पाकिस्तानी है। यार अजीब मस्खरी बातें करते हो। किसके पास जाएगा वो पाकिस्तान? अपने दादाजी के पास। उसे क्या पता है दादाजी के बारे में? क्या जानता है वो दादाजी के बारे में? मेरा ख्याल ये है कि आमतौर पर बच्चों को दादा वगैरह के बारे में मालूम होता है। यार अगर तुमने अपने मुल्क से और अपने बाप से रिश्ता तोड़ लिया है तो सारी दुनिया तो नहीं तोड़ेगी। वो कहीं नहीं जाएगा। यार ये तो अच्छी बात है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, ये प्यार के रिश्ते टूटते थोड़े। बहरहाल वो कहीं नहीं जाएगा, कह दीजिएगा उसे। भावज सब किया कराया आपका है, जरा इसके तेवर बिगड़े और आप हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। नहीं ये बात नहीं है, दरअसल मुझे लड़ाई झगड़े से बहुत वहशत होती है, और जब से इनकी और शामिर की खटपट होनी शुरू हुई है मेरे तो आसाब जवाब दे गए। चलो छुट्टी हुई, एक तरफ मियाँ का हथौड़ा दूसरी तरफ बेटे की तलवार। अरे कैसी औरत हैं आप, जरा हिम्मत कीजिए, ना लड़ती हैं ना झगड़ती हैं, ना मैं कहीं जाने की धमकी देती हैं, ना रो रो के तूफान उठाती हैं। जरा उन्होंने कहा ऐसा मत करो, आपने कहा जी अच्छा। पर तू पागल हो गया, अल्लाह बख्शे जब से तेरी मां रुखसत हुई है ना, मैंने तुझे कभी कल्ला कमरे में नहीं रहने दिया, और तू बात कर रहा है कि
प्रदेश जाएगा, दूर जाएगा। और चले तो बड़ा आदमी बनने के लिए लंदन जाने की कौन सी जरूरत है, वो देखना अपने मुल्क में भी बड़े बड़े आदमी बनते हैं। हाँ ना ना, ना सर, देख पुत्र एक गल कदी ना करी। हाँ ये कल मैं अपनी जुबान से बिल्कुल ही निकाल ला। हाँ शाबा ठीक है, तू पढ़ना चाहता है ना, ठीक है जितना तेरी मर्जी में आए पढ़, जिधर तू जाना चाहता है जा पढ़, मगर देख मेरी एक बात याद रखी कि पढ़ लिख कर अपने वतन की मट्टी की तरफ लौट के आना है पुत्र। देख अपने मुल्क को भी तो बड़े बड़े लोगों की बहुत जरूरत है ना, समझ गया? ठीक है जा जा, अल्लाह मिले। कैसे हो भाई? हाँ हाँ मैं पहुंच गया और एयरपोर्ट पर हूँ इस वक्त। हाँ सामान मेरे पास है, तुम कहो ये बताओ। ठीक है हाँ, बाकी बातें बाद में, तुम ऐसे करो जल्दी पहुंच जाओ एयरपोर्ट से बाहर, फौरन फौरन। आप मेरे खावन का पता करके अंदर से बता दो जी, उसका नाम मंजूर हुसैन है जी। I don't understand that, can I? I don't know what you're saying. मेरे खावन अंदर गए हैं जी, वो अंदर हैं जी। Do you have anything I can help you with? मेरे खामन अंदर हैं जी, वो अंदर गए हैं जी। Is there any problem? Yes, I can't understand what the lady's saying. Can you help me? No problem. She's from my country. I'll talk to her. No problem. Thank you very much. Okay. Take care. Thank you. आपको क्या आपका सामान नहीं आया क्या? आप उर्दू बोलते हो जी? हाँ जी मैं इंग्लिश भी बोलता हूँ, फ्रेंच भी बोलता हूँ, पंजाबी बोलता हूँ। आप बोलो मैं क्या बोलूँ? वो अंदर गए हैं जी, अभी तक आए नहीं। वो कौन? मेरा खामन जी। अंदर वो अंदर कहाँ? मुझे तो कुछ नहीं मालूम जी, मैं तो पहली बार आई हूँ ना यहाँ पे। वो कुछ कागज दिखाने के लिए अंदर गए थे फिर आए नहीं। देखिए जी बात ये है कि वो फ्लाइट तो बहुत देर पहले लैंड कर चुकी है, अब तक तो सब लोग जा चुके हैं, अब तो कोई भी नहीं होगा वहाँ पे। नहीं जी वो अंदर है जी। अच्छा देखिए अगर उनको अंदर ले भी गए होंगे ना तो अब तक तो वो वहीं से बाहर निकल गए होंगे। नहीं जी मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं, मैं बीवी हूँ उनकी जी। जी हाँ वो तो मुझे नजर आ रहा है कि नई नई शादी हुई है। वैसे आपके मियाँ का नाम क्या है? मंजूर हुसैन जी। अच्छा वैसे तो सब लोग जा चुके होंगे लेकिन मैं आपकी तसल्ली के लिए एक दफा देख कर आता हूँ। आप वेट करें। आप तू जिसके साथ ब्याह के जा रही है अब उसके घर से मर कर ही निकल, हमारी इज्जत तेरे हाथ में, तेरे हाथ में।
हमारी बेटी को शहजादा मिला है। राज करेगी राज। अरे तू रोती क्यों है? अरे रोए तेरे दुश्मन जो जल रहे होंगे सबके सब। सुन वहां जरा ठसे से रहना, पर देश की औरतें बड़ी चालाक होती हैं, फांस लेती हैं मर्दों को। वो जी मंजूर हुसैन नाम के आदमी को पूछ-गुछ के लिए अंदर ऑफिस में ले गए थे, उसका सामान चेक किया, उसमें से कुछ भी नहीं निकला, इसलिए उसे छोड़ दिया। और अब तक तो उसे बाहर गए हुए 3-4 घंटे से ज्यादा हो गए। बाहर? हाँ। अच्छा आपके पास और कोई सामान नहीं? सामान तो बस यही है जी, और वो बाकी सब अपने साथ ले गए थे, कहा था मैं यहीं पे इंतजार करूं। शौहर भी चला गया, सामान भी चला गया, दुल्हन यही रह गई। असमिया बड़ी जासूसी सी स्टोरी लगती। मुझे छोड़ के चले गए हैं क्या जी? देखिए देखिए प्लीज आप रोइएगा मत। आप देखिए मैं आपको आपके पास उनका कोई पता तो होगा ना? पता तो कोई नहीं है जी। नहीं मेरा मतलब है कि वो इस शहर में कहाँ रहते हैं, किस मोहल्ले में रहते हैं? मुझे कुछ नहीं पता है। अरे तो फिर कुछ पता भी है आपको? जी पता नहीं जी। अच्छा प्लीज देखिए आप रोइए मत, परेशान मत होइए। ऐसा करते हैं आए प्लीज बैठते हैं, बैठ के बात करते हैं। आइए ना आइए प्लीज, परेशान मत हो। जहन्नम में गए वो जी? नहीं ये मेरा ये मतलब नहीं था। वो देखें वो गए होंगे यहीं कहीं किसी काम से गए होंगे, अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। आप परेशान क्यों हो रही हैं? आप कौन हो जी? मैं कौन हूँ? हाँ मैं यहाँ एयरपोर्ट पे काम करता हूँ, और उसके साथ साथ एक डॉक्टर साहब के यहाँ भी काम करता हूँ। यहाँ मेरी ड्यूटी खत्म हो गई थी, वहाँ मेरी ड्यूटी शुरू हो गई है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको कहाँ रख के जाऊँ। मैं अकेली। आप पाकिस्तान से आए हो जी? हाँ पाकिस्तान से आया हूँ। पाकिस्तान से ये सोच के आया था कि यहाँ आके अफसर बन जाऊंगा, लेकिन बात ये है कि जो अफसरी की लकीर है ना, ये मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए दो दो नौकरियां करता हूँ और मजे उड़ाता हूँ। मैं क्या करूँ जी? अभी तो कुछ नहीं करिए जी, आराम से यहाँ बैठ जाइए जी, और मुझे सोच लेने दीजिए जी कि क्या करना है जी। हाय अल्लाह जी। हैं? अब मैं आपको कोई चोर या लफंगा या बदमाश लग रहा हूँ जो आप मुझसे इस तरह से दूर जा रही हैं? एक तो इतनी देर से मैं आपके साथ यहाँ पे ख्वार हो रहा हूँ कि अपने मुल्क की लड़की है, बेचारी परेशानी में, तो उसकी मदद करनी चाहिए, और आप मुझसे डर रही हैं? यानी मुझसे? नहीं जी माफ कर दें जी, मैं डर नहीं रही थी जी, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा जी, मैं क्या करूं जी। ठीक है अच्छा कोई तस्वीर है आपके पास आपके शौहर की? नहीं तो जी। नहीं है जी? तो ऐसा करते हैं चलिए जी बाहर चलते हैं जी, शायद वो नजर आ जाए जी। आइए जी आइए आइए।
चलिए। वो काम क्या करता है? बहुत बड़े आदमी है जी, वो लखपति है। लखपति लखपति है जी, लखपति। लेकिन वो लखपति मियाँ काम क्या करता है? बिजनेस। बिजनेस, वाओ। वो तो मुझे कुछ कुछ अंदाजा हो रहा था कि कोई बिजनेस हो रहा है, लेकिन अपने बारे में कुछ तो बताया होगा उसने। कुछ नहीं बताया था जी, मौका ही नहीं मिला था। जहाज में बैठकर शादी के बाद फौरन हम यहाँ आ गए और फिर वो अंदर गए तो वापस ही नहीं आए जी। तो रास्ते में क्या चुपका रोजा रखा हुआ था? कोई बातचीत नहीं की थी क्या दोनों ने? जी मुझे तो शर्म आ रही थी जी, वो कुछ नहीं बोले जी। या अल्लाह, ऐसी गूंगी और बहरी शादी पहली दफा देखी है। क्या हुआ जी? कुछ नहीं हुआ जी। आप मुझे ये बताइए जी, आप गांव में क्या करती थी? मुर्गियां पालती थी क्या? नहीं जी, 10 जमाते पास किए मैंने। 10 जमाते पास किए हैं? लेकिन वो 10 जमाते कहाँ गई, कहाँ रह गई? अकल इधर उधर तो नहीं गिर गई? डांट क्यों रहे हो जी? निकाह नामा कहाँ है? मुझे नहीं पता जी। अरे तो शादी की भी थी या यूं ही बस सवर के उठ के जहाज में बैठ के आ गई हो? हाँ जी की थी, मायों मेहंदी शादी सब हुई थी जी, और अम्मा अब्बा ने रुख्सत करके यहाँ भेजा था और कहा था कि वलीमा यहाँ होगा। हो गया वलीमा, यहाँ इसी तरह से वलीमा होता है बस। खुश, अब मुझे जरा कुछ देर के लिए सोचने दें करना क्या है। वलीमा यहाँ होगा। हसन कहाँ गया आज? कोई भी नहीं आया डॉक्टर साहब। आज फिर खिसक गया इधर उधर। अच्छा आप लोग बैठे, मैं बुलाता हूँ। काश इस हसन का कभी ऑपरेशन करना नसीब हो मुझे। मिल गया जी, उनका पता है जी, उनका पता है जी। पता है तो इतनी देर से कहाँ था? अब जल्दी निकाले, इतना टाइम जाया कर दिया आपने। उनका नहीं, दादाजी के पोते का। ओह मेरे खुदा, अब ये दादाजी के पोते कहाँ से टपक पड़े? एक बात बताऊं बीबी आपको, ये जो आपकी कहानी के कैरेक्टर्स है ना, ये काफी कंफ्यूजिंग है। ये ले जी, दादाजी के पोते का पता है जी। दादाजी ने कहा था कि कोई तकलीफ हो तो इसको बुला लेना, ये फौरन चला आएगा जी। ये जानते हैं दादाजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। माय गॉड, क्या हुआ जी? अरे ये इनको तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। देखिए बीबी, बात यह है कि आप मेरी मुल्क के रहने वाली हैं, तो मैं आपकी मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन ऐसा है कि आपको पहले मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं आपको डॉक्टर साहब से मिलाऊंगा, फिर डॉक्टर साहब जो है वो आपको आपके दादाजी के पोते के घर लेके जाएंगे, ठीक है ना? अब डरने की कोई बात नहीं। कोई बात नहीं जी, मगर वो मिल तो जाएंगे ना जी? पता नहीं जी कि वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो आपके दादाजी के पोते हैं ना, इनके घर तक हम आपको जरूर पहुंचा देंगे, ठीक है जी? चले नहीं यार, तुम्हें इसका अंदाजा नहीं है, मैं इसे कैसे बर्दाश्त करता हूं मैं ही जानता हूं। देखो मैंने उसे रहने के लिए घर दिया, नौकरी दी, मगर जरा लिहाज नहीं है उसको। उसका काम यह है कि आके क्लिनिक को संभाले, साफ करे। नहीं नहीं, जब मैं आउटडोर पेशेंट देख के वापस आता हूं तो उसे यहां होना चाहिए। हाँ मगर किसी ना किसी बहाने से देर कर देता है, और आज तो बिल्कुल ही गायब हो गया। नहीं नहीं, आज आ जाए, मैं उसे उठा के बाहर फेंक दूंगा। हाँ अच्छा, हाँ ओके, खुदा हाफिज़।
सॉरी डॉक्टर साहब, ये ताजी है, ये वहां एयरपोर्ट पे। ये कहां से नाजिल हुई? कब की तुमने शादी? और चोरी छुपे करने की क्या जरूरत थी? आप किए थे भुगतो, उठाओ सामान, निकल जाओ यहां से। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैंने कोई शादी वादी नहीं की है। अच्छा, तो बगैर शादी के लिए फिर रहे हो? क्या पुलिस की रेड कराओगे मेरे घर पर? कौन लड़की है ये? मुझे नहीं पता। तो फिर ये कहां से मिल गई तुमको? ये तो वहां पे एयरपोर्ट पे खड़ी हुई थी। एयरपोर्ट से निकलकर तुम सीधे काजी के पास गए? और ये जेवर और कपड़े कहां से आए? ये मेरे नहीं है जी। ये तो मेरे हैं जी। तुम चुप रहो जी। माँ बाप कहां है तुम्हारे? जी पाकिस्तान में। अच्छा, वहां से बुला लिया इसको? कब से चल रहा है ये सिलसिला? जब भी टेलीफोन के बिल इतने ज्यादा आते हैं। ओह माय गॉड, अब रोने से क्या फायदा? उम्र भर क्या रोना है? अब बात सुनो, मैं इस मामले में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। बताओ माँ बाप का, मैं भी छोड़ के आता हूँ। क्या पाकिस्तान छोड़ने जाएंगे? हाँ, छोड़ने जाऊंगा। और तुमने इस लड़की को इतनी दूर से कैसे बुलाया? और तुम आई कैसे यहाँ पर? जी मेरा तो कोई कसूर नहीं है जी, मेरी तो शादी हुई है जी। शादी? अभी तो ये कह रहा था कि शादी नहीं हुई। लेकिन मेरी तो हुई है शादी। ये कैसी शादी है कि तुम्हारी हो गई और इसकी नहीं हुई? आप डॉक्टर साहब प्लीज एक मिनट के लिए तो मेरी बात सुनिए। बात सुनू? अरे तेरा सरगंजा करूंगा, शर्म नहीं आती? डॉक्टर साहब आप मेरी बात तो सुनिए, कसम खुदा की मेरा इस लड़की से कोई वास्ता नहीं है, बल्कि मैं तो एक घंटे पहले तक तो इसकी मैंने शक्ल भी नहीं देखी थी। सच कह रहे हैं जी? वो इसका मियां इसे एयरपोर्ट पे छोड़कर कहीं चला गया है। क्या मतलब? मतलब समझ में आ जाता तो सारी बात क्लियर नहीं हो जाती। वो इसे ये कहकर कि मैं पेपर्स चेक करवाने जा रहा हूँ, पिछले दरवाजे से कहीं निकल गया। अब तो सारी कहानी समझ में आ रही है ना? बात तो बिल्कुल साफ है। क्या साफ है जी? लड़की, तुम्हारी शादी जान पहचान वालों में हुई थी? नहीं जी, वो गांव रिश्ता लेकर आए थे, किसी ने मेरा नाम बता दिया था जी। जेवर और कपड़ा भी लेके आए थे साथ जी। अम्मा अब्बा को तो बहुत पसंद आया जी, लेकिन दादाजी मना करते थे जी। मेरे खुदा, मेरा सर चकरा रहा है, ये कैसी कहानी है? मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। आपका ब्लड प्रेशर तो अब हाई हो रहा है ना, आप मेरी सोचिए जो मैं एक घंटे से ये कहानी भुगत रहा हूँ। मगर तुम इस लड़की को यहाँ क्यों लाए? तो कहाँ ले जाता? डस्टबिन में फेंक देता, ये वहाँ अकेली खड़ी रो रही थी एयरपोर्ट पे। तो क्या करे इसका अब यहाँ? एक मिनट सर, रिलैक्स। वो ये कहाँ गया? ये हाँ, ये पर्चा था इसके पास, वहाँ पे इस पता लिखा हुआ, इन्हें दादा जान कह रही है ये। हाँ जी, वो मेरे दादाजी है ना, वो वहाँ रहते हैं जी। शामिर मलिक, मलिक साहब का बेटा साबिर मलिक। हाँ हाँ, वो शामिर के दादा ही तो हैं। क्या तुम फैसलाबाद से आई हो? हाँ जी, आप जानते हो जी? हाँ, मैं दादा के घर वालों को जानता हूँ जी। उन्होंने कहा था कि कभी कोई परेशानी हो तो मेरे पोते को लिख देना, वो दौड़ा हुआ आ जाएगा जी। नहीं नहीं, ये तो और गजब हो जाएगा। हाँ बेटा, तुम अंदर आओ, परेशान ना हो। मेरा नाम डॉक्टर सादत है और ये लड़का जो हसन है ये मेरे पास रहता है, यहीं काम करता है। आओ बेटा, तुम कुछ खा वा लो। आओ शाबाश, आ जाओ बेटा। देखिए जी, ये हमारा अपना मामला है। सकीना मेरी बेटी है, मैं उसकी शादी जहाँ चाहे करूँ। मुझसे बेहतर उसके लिए कौन सोच सकता है? आप सोच सकती है? नहीं, आपसे बेहतर तो सकीना के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता है। लेकिन क्योंकि मेरा उससे कोई जज्बाती लगाव नहीं है, इसलिए मैं उसे बिल्कुल मुख्तलफ अंदाज से देखती हूँ, जैसे और लोग देखते हैं। ये एक लड़की है, पढ़ी लिखी है, उसका मुस्तकबिल क्या होना चाहिए? मैं इतना ज़रूर सोच सकती हूँ कि कोई चीज़ इसके लिए सही है या गलत है। फोर्स्ड मैरिजेस गलत है, ये जुल्म है। अरे, तुमने सकीना के रंग देखे? अपने आप को अंग्रेज समझने लगी। मैं तो शुरू ही से खिलाफ थी पढ़ने लिखने के। अब देखो, हमारे घर के मामले में भला सोशल वर्कर का क्या काम?
अगर आप यहाँ के माहौल से खुश नहीं हैं तो यहाँ क्यों रहती हैं? इंसान जहाँ रहता है मिलजुल कर रहता है। आपने तो सुना होगा, जैसा देश वैसा भेस। कुछ हम दूसरों के तरीके सीखते हैं और कुछ दूसरों को अपने तरीके सिखाते हैं। देखो, आपकी बेटी कोई गलत काम तो नहीं कर रही है, सिर्फ तालीम हासिल कर रही है। और तालीम हासिल करने का हुक्म तो हमारे मज़हब ने भी दिया है। सिर्फ इतना याद रखिएगा कि यहाँ के कानून में किसी भी ग्रोन अप लड़की या लड़के को उसकी मर्जी के खिलाफ मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा होता है तो पुलिस की मदद ली जाती है। तो क्या आप हमें धमकी दे रही है? मैं सिर्फ आपको कानून के बारे में बता रही हूं, आगे आपकी मर्जी। बेटे शामिर, मैं आज बहुत अकेला सा रह गया हूँ। एक बच्ची ताजी मेरे पड़ोस में रहती थी, उसने पता नहीं कैसे मेरे सारे रिश्ते अपने दोनों हाथों में थामे हुए थे। वो बेटियों की तरह मेरा ख्याल रखती थी, बेटों की तरह मुझसे बात करती थी, बहू की तरह मेरी खिदमत करती थी और पोते की तरह मुझसे प्यार करती थी। वो आकर तुम्हारे मुल्क चली गई है। उसके जाने के बाद बड़ा सन्नाटा हो गया है बेटे। मैंने उसे तुम्हारा पता दे दिया है, अगर वो तुम्हें खत लिखे तो बेटे ज़रूर उसके पास चले जाना, ये ख्याल करके कि वो मेरी बेटी की तरह है। परदेश में बहुत अकेली होगी। कितनी अजीब सी बात है ये, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसा आदमी था जो कि मिसेस मलिक, आप तो जानती हैं कि लोग लालच में कितना गिर जाते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि वो शख्स उस लड़की को क्यों लाया था। यकीनन सामान में कुछ गड़बड़ होगी, लेकिन अब ये मासूम लड़की पे कौन शक कर सकता था। जब सामान निकल गया तो वो दूसरा आदमी सामान समेत गायब हो गया। मेरा ख्याल तो ये है कि ये पुलिस केस है। तो आपने रिपोर्ट करवाई? मैं रिपोर्ट जरूर करता, मगर मैंने सोचा कि मलिक साहब से, आपसे या कम से कम शामिर से तो मशवरा कर लूं। मलिक साहब तो सेंट एंड्रूज चले जाएंगे गोल्फ खेलने के लिए, और शामिर चला गया है आदिल को लेने। सवाल ये पैदा होता है कि मैं उस लड़की को कहाँ रखूं? देखिए ना, मैं अकेला आदमी हूँ, और ये भी चाहता हूँ कि किसी को इसका इल्म ना हो। ऐसा करें ना कि आप उसे अपने पास रख लें। मैं? लेकिन वो मलिक साहब। आप मलिक साहब को ये बताएं कि वो लड़की मेरी भांजी है और मैंने कुछ दिनों के लिए आपके पास रखवाया है। मैं समझता हूँ कि इस पर तो मलिक साहब को कोई एतराज़ नहीं होगा। वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन ये बेहतर होगा अगर आप मलिक साहब से खुद बात कर लेते। चलिए मैं कह दूंगा, लेकिन अच्छा था कि आप भी कह देती। खैर, मामा ये जगह इतनी खूबसूरत है कि मुझे लगता है कि जन्नत ऐसी ही होगी। आप बहुत याद आ रही हैं। मैंने एक मैच जीत लिया है, दूसरे की तैयारी कर रही हूँ।
कभी कभी मैं सोचती हूँ कि आप इस जगह को कितना मिस करती होंगी। अभी तक मैंने किसी रिश्तेदार का पता नहीं मालूम किया। जब मैच खत्म हो जाएंगे तब जाऊंगी, फिर आपको तफसीली खत भी लिखूंगी। आपकी सारा। दिमाग खराब हो गया है क्या तुम लोगों का? चार दिन हुए नहीं है और डिमांड शुरू हो गई कि घर चाहिए। घर मिलना इतना आसान है क्या? सर, उन साहब ने कहा था कि फ्लैट में रहेंगे। किसने क्या कहा था मुझे कुछ मालूम नहीं है। सर, जहां हम रहते हैं ना तो हवा आती है और ना लेटने की जगह। अरे तो मैं तुमको बुलाने तुम्हारे घर से गया था क्या? अपनी मर्जी से आए हो, सब्र करो। आराम से काम करो, मेहनत करोगे तो कोई ना कोई ठिकाना मिल ही जाएगा। ये याद रखो कि तुम लोग गैर कानूनी तौर पर यहां आए हो। ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है, पुलिस एक मिनट में पकड़ कर ले जाती है। और आइंदा इस किस्म की मैं बेहुदा फजूल बातें ना सुनूं कि ये चाहिए, घर चाहिए, फलाना चीज चाहिए, फलानी चीज चाहिए। चलो जा जाके काम करो। गेट आउट। अरे भाई मलिक, क्यों बिचारों पर चीख रहे हो? क्या हो गया? आओ डॉक्टर, आओ, हाँ बैठो। हाँ, देखो भाई, अगर तुमने अपने गुस्से पे काबू नहीं पाया तो बीमार पड़ जाओ, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। दवा पी। ये तुम छोटी छोटी सी गोलियां देते हो, इससे ब्लड प्रेशर कैसे कंट्रोल होगा? अरे मलिक, तुम्हें कौन गोली दे सकता है? तुम्हारा मतलब है टेबलेट? चलो बड़ी दे देंगे आइंदा। अच्छा खैर, पहले तो ये सुन लो कि मैं बीमार नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमसे किसने कह दिया मैं बीमार हूँ? देखो मैं डॉक्टर हूँ, कोई घास काटने वाला नहीं हूँ। खत का मजमू भाप लेते हैं लिफाफा देख कर, अमा चेहरा देख के पहचान लेता हूँ क्या मर्ज है, क्या दवा दूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, ये बताओ काम क्या है? आज बाकी मैं आया तो तुम्हारे पास एक काम से हूँ। वो मेरी भांजी है, गांव से आई है। तुम जानते हो कि मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, बल्कि वो मेरे साथ एक लड़का रहता है, तो उस बच्ची को मैं अपने साथ रख नहीं सकता। अगर कुछ दिनों के लिए तुम उसे अपने पास रख लो तो मेरा ख्याल है तुम्हें कोई एतराज नहीं होगा, भाभी का हाल बता दिया करेगी, बड़ी अच्छी बच्ची है। ये डॉक्टर तुम किस तरह की बात करते हो? अभी तुम्हारी भांजी है तो मेरी भांजी है। तुम ऐसा करो, फौरन उसे राबिया के पास भेज दो। राबिया सारा दिन अकेली होती हैं, मैं तो घर पर होता नहीं हूँ, शामिर भी चला जाता है। अच्छा है, राबिया का साथ रहेगा और वो बोर भी नहीं होंगी। मगर एक बात सुन लो, सीधी सादी बच्ची है, गांव से आई है। हाँ ख्याल है ना? आप कौन से मॉडर्न हैं? वही पुराने लकीर के फकीर। देखो बेटा, याद रखना, आज से तुम्हारा नाम अजरा है और तुम मेरी बहन की बेटी हो, बस। हाँ, ऐसा ना हो कि कोई आपको नाम से बुलाए और आप मुड़कर ही ना देखें। हाँ अजरा। हाँ जी। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आहिस्ता से। जी जी। गुड। अब देखो तुम आहिस्ता आहिस्ता चलना और आराम आराम से बोलना। देखो शाबाश। हाँ 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 जी। गुड, बल्कि वेरी गुड सर। हाँ फिर वहां क्या होगा? ना अचार डलेगा ना हलवा बनेगा, बस आपको वहां अच्छी बच्चियों की तरह आराम से रहना और बस। मेरे पास तो कपड़े भी नहीं है। हाँ ये मसला है। नहीं नहीं, कोई मसला नहीं है, कपड़े मैं दिलवा दूंगा, बल्कि मैं कह दूंगा कि तुम्हारा सूटकेस खो गया है, नए कपड़े बनवा दूंगा। और अब्बा अम्मा को आप कह देंगे ना? हाँ हाँ, लिख दूंगा कि तुम मजे में हो। मजे में? अच्छा, वो दादाजी को भी लिख दीजिएगा कि वो रोज चुड़ियों को पानी दे। बेटा लिख दूंगा, तुम ऐसा करो जल्दी से तैयार हो जाओ और हाँ बाल बाल ठीक कर लो। शाबाश। वो लोग खफा तो नहीं होंगे ना?